औरतों की जो आवाज़ें दबा दी जाती हैं उन आवाज़ों के साथ मिल के मुख्तलिफ कवानीन पे बात की जाती है, तशद्दुद पे बात की जाती है और तशद्दुद को रोकने के सेफ्टी मेजर्स पे बात की जाती है। गवर्नमेंट का अपना भी अच्छा इकदाम है कि लड़की और लड़के दोनों की एज 18 साल तक होनी चाहिए, क्योंकि स्टेट 25A में कहता है कि हर बच्चे और बच्ची का राइट है उसको बेसिक एजुकेशन स्टेट दी। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम वी टू के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट निशावान। नाज़रीन, वुमेन सेक्सुअल हरासमेंट और वुमेन या चाइल्ड रेप एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिस पर बात करने के लिए आज पुलिस ऑफिसर की ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया है। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं वो प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर हैं एक NGO की, और इसके अलावा वो कोऑर्डिनेटर है वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। आइए उनसे जानते हैं कि कौन से लॉज हैं जिसमें वुमेन को जो है वो प्रोटेक्शन दी जाती है और इसके अलावा वुमेन हरासमेंट को किस तरह रोका जा सकता है। पढ़ा ही नहीं पूरा लॉ, जब बाद में पढ़ा तो पता चला कि लड़कियों की एज 16 साल और लड़कों की 18 साल की है। लॉ सबमिट करवाया हुआ है, लड़कियों की एज भी 18 साल है। हर वो बच्चा या बच्ची जो 18 साल से कम है ना, वो का बच्चा या बच्ची के लायक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा कि जो आज आपने ट्रेनिंग का इंतकाल किया गया है वो क्या ट्रेनिंग आप दे रही हैं पुलिस ऑफिसर्स को और वो कितनी ज़रूरी है? अच्छा, आप जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरे दुनिया में 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म मनाया जा रहा है, तो जिस पर हम पुलिस ऑफिसर के साथ बेदारी पिछले कोई 10 साल से हर साल मुख्तलिफ अजला में जहाँ जहाँ बेदारी काम कर रही है वहाँ वहाँ मुख्तलिफ ट्रेनिंग का इनकार किया जाता है। इसमें हम बात कर रहे हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन और सेक्सुअल हरासमेंट पे ना, हम पुलिस ऑफिसर को कि भाई मैन एंगेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, और हम क्योंकि जब वुमेन डेवलपमेंट की बात आती है तो सिर्फ वुमेन पे फोकस नहीं, ह्यूमन राइट्स पे हम फोकस रखें कि हमारे यहाँ जो मेल हैं हम बजाय बच्चों को बताएं कि आप बाहर ना निकलें, हमें अपने बच्चों को बताना है कि अपने मर्दों को बताना है कि उन्होंने खवातीन के साथ बाहर कैसा रवैया अपनाना है। अच्छा, वुमेन हरासमेंट सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, किस तरह आप जो है देखती हैं सोसाइटी में ये बढ़ता जा रहा है और कौन से लॉज हैं जिसके तहत इन्हें रोका जा सकता है? अच्छा, जो सेक्सुअल हरासमेंट हमारे मैं अगर देखूं तो यहाँ पे डॉक्टर फौजिया सईद का नाम ना लेना बदनियानती होगी, 20 साल पहले एक मूवमेंट शुरू की थी और 10 साल लगे उन्हें एंटी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस 2010 के लॉ को असम्बली से अप्रूव करवाने में। इसके साथ साथ उन्होंने 509 में जो हरासमेंट की डेफिनेशन है उसको बड़ा क्लियर किया कि कौन कौन से एक्ट हैं जो हरासमेंट हो सकते हैं, और इसके ऊपर 10 साल से 2010 में से हमारे यहाँ लॉ मौजूद है जिसके तहत मुख्तलिफ इदारों में कमेटियाँ बनी हुई हैं। अगर कोई इस तरह का इशू हरासमेंट का आ जाता है तो वर्क प्लेस के लेवल पे आप कमेटी के अंदर ही उसको रिजॉल्व कर दें, और उस कमेटी के जो कोड ऑफ कंडक्ट है जो हर इदारा अडॉप्ट करता है, और जो अगर अडॉप्ट नहीं करता तो उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से जुर्माना और कुछ सजाएं हैं। अच्छा, इधर आपने मुझे बताया कि एक हफ्ते के लिए आप ये एक वीक मना रही हैं, 15 दिन के लिए, उसका क्या मकसद क्या है, उसको मनाने का क्या अवेयरनेस लोगों को देना चाहिए? अच्छा, ये कंपेन लॉन्च हुई थी औरतों के हकूक पे अमेरिका से, और अभी पूरी दुनिया में ये नवंबर और दिसंबर का, नवंबर का एंड 25 नवंबर से लेके तो दिसंबर का स्टार्ट तक मनाया जाता है ये वीक। इसमें औरतों की जो आवाज़ें दबा दी जाती हैं उन आवाज़ों के साथ मिल के मुख्तलिफ कवानीन पे बात की जाती है, तशद्दुद पे बात की जाती है और तशद्दुद को रोकने के सेफ्टी मेजर्स पे बात की जाती है, अभी जैसे अवेयरनेस पे बात की जाती है। जो जो हमारे यहाँ सिस्टम मौजूद है, हमारा एक और जो प्रॉब्लम है बीना पाकिस्तानी, मुझे लगता है वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और इन्फॉर्मेशन है। ओके, हमारे पास बहुत से सिस्टम बने हुए हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है क्योंकि लोगों को पता नहीं है। लोगों को पता नहीं है, या कोई चीज़ नई आ जाती है तो इदारों में पता नहीं होता, इदारों के अंदर भी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है, जो लोग डायरेक्ट डील कर रहे होते हैं उन तक इन्फॉर्मेशन सही नहीं पहुँच पाती, कौन सा लॉ है, कैसे उसको टैकल करना है, उसमें कौन सी शिक्स, कौन से
क्या कहती हैं, तो उसको आसान जबान में हम लोगों के साथ या डिपार्टमेंट के साथ इस पर काम कर रही होती हैं। अच्छा, चाइल्ड मैरिज पे बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि चाइल्ड क्या होता है, क्योंकि हम 16 साल के बच्चे को भी चाइल्ड कह रहे हैं, 20 साल का बच्चा भी चाइल्ड है, 18 साल का बच्चा एक तो चाइल्ड। अच्छा, ये ना बड़ी सिंपल चीज़ है जिसको हमने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। हमारा कानून कहता है कि जब आपका 18 साल से पहले शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता, आपको शनाख्त नहीं मिल सकती, तो 18 साल से पहले आप बच्चे हैं। पाकिस्तान ने CRC को साइन किया हुआ है, चाइल्ड राइट कन्वेंशन को, जो कहता है कि हर 18 साल से कम उम्र बच्चा या बच्ची है। और कानून भी हमारा यही कहता है, 18 साल से पहले हम ID कार्ड नहीं ले सकते, हम प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा नहीं ले सकते, हम जॉब नहीं कर सकते। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम शादी जैसा बड़ा फैसला जो है, एक नए घर की बुनियाद, 18 साल से पहले रख दें। अच्छा, मोस्टली जो बच्चियां हैं उनके 18 साल से बहुत पहले शादी, 13 साल 12 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है। लॉ इस हवाले से क्या कहता है, कोई ऐसा लॉ है जो इस चीज़ को रोकता है या कोई सज़ा है कानून में? जी, 1929 वाले लॉ में 2015 में एक अमेंडमेंट हुई थी, पहले बच्ची की एज 14 साल थी, अभी उन्हें 16 साल कर दी गई ताकि मैट्रिक की तालीम ज़रूरी हो, और लड़के की एज 18 साल कर दी। अभी सिविल सोसाइटी इस पर काफ़ी काम कर रही है और गवर्नमेंट का अपना भी ये एक अच्छा इकदाम है कि लड़की और लड़के दोनों की एज 18 साल तक होनी चाहिए, क्योंकि स्टेट 25A में कहता है कि हर बच्चे और बच्ची का राइट है कि उसको बेसिक एजुकेशन स्टेट दी, तो उसको बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के उसकी बेसिक एजुकेशन पूरी हो जाए, उसके बाद उसकी शादी का फैसला हो। तो असम्बली में ये मसरत जमशेद चीमा ने और सबमिट करवाया हुआ है लाख को, और देखेंगे कब तक ये 18 साल लड़कियों के लिए भी हो जाए। अच्छा, अभी लॉ में 16 साल लड़की की एज है और 18 साल लड़के की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो हमारे यहाँ 12-13 साल की एज में 2.5% बच्चियों की शादी हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए कम से कम 16 साल भी आप मैट्रिक तक एजुकेशन को तो मस्त करें ना, यकीनी बनाएं। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा क्या अवेयरनेस जो है, आपको क्या लगता है कि पुलिस जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, हर चीज़ को मेंटेन करना उसका काम है, उसकी अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है? अच्छा, मेरा ख्याल है कि पुलिस की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ये रिफ्रेशर होने चाहिए, साथ साथ कोर्सेज होने चाहिए। अभी पुलिस की खुश आइंदा बात जो मुझे लगी वो ये कि बहुत सी पुलिस ऑफिसर खवातीन पुलिस ऑफिसर हैं जिनके साथ लोग कंफर्टेबल बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो हमारा अथर साहिबा, कभी किसी खातून का मसला उन तक पहुँचा है वो कहीं भी नहीं है, तो उन्होंने पूरा भरपूर गाइड किया, सपोर्ट किया। इवन डैट कि आपको पता है FIR का बहुत कॉम्प्लिकेटेड मतलब सिस्टम है, तो बग़ैर प्रेशराइज के या जो कल्चर है हमारा डेरा सिस्टम या उसके बगैर हमारे अक्सर मसाइल जो हैं ख़वातीन के मसाइल को बदर नहीं किया जाता। तो पुलिस में जो ख़वातीन की नुमाइंदगी है इसको बढ़ाया जाए, ये मतलब मेरा ख्याल है कि ज़्यादा की जाए उनकी आबादी, और उसके हिसाब से कि अगर 52% फीमेल जाएँ तो 52% कम से कम नहीं तो 50% जो जॉब क्रिएट की जाएँ। अभी बहुत सी ऑफिसर लेवल पर ख़वातीन सामने आ रही हैं, डॉक्टर अनूश हैं और बहुत से नाम हैं ऐसे, मारिया है DIG, तो इस तरह के मतलब नाम हमें सामने हमारी नज़र आ रही है। तो ये एक मतलब उम्मीद की किरण को रोशन कर रही हैं कि हाँ, लड़कियाँ शाना बशाना जब डिपार्टमेंट में आएंगी और शायद उन मसाइल को, क्योंकि वो खुद गुजर चुकी होती हैं, ठीक है, वो गुजर चुकी हैं। तो हमारे यहाँ अगर हम हरासमेंट की बात करें तो 6 माह की बच्ची से लेकर 80 साल की बूढ़ी औरत तक हरास हो सकती है। जी, तो मरते दम तक ही हरास, मरते दम तक हरास हो रही है। तो इस हरास, और ये सिर्फ हमारा इशू नहीं है, ये पूरी दुनिया में ऐसा, जहाँ औरतें होती हैं वहाँ इस तरह के मसाइल हैं। लेकिन जब आप इक्वल माशरे की बात करते हैं, आप मसावात की बात करते हैं, तो हमें अपने बच्चों को, लड़कों को खास तौर पर सिखाने की ज़रूरत है, तरबियत करने की ज़रूरत है कि आपने बच्चियों के साथ भाई रवैया कैसा है। ठीक है, थैंक यू सो मच हिरम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अब हमारे साथ जो है जेंडर सेल इंचार्ज मौजूद हैं, मैम आयशा, उनसे बात करते हैं कि जेंडर सेल जो है क्यों इसका क्याम ज़रूरी था और इसमें किस तरह के केसेस जो हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैम आयशा, मुझे बताइएगा कि जेंडर सेल जो है पुलिस में मतलब एक क्याम किया गया, क्या ज़रूरी था, मतलब क्या ज़रूरत पेश आई कि जेंडर सेल को बनाया जाए? अच्छा, इसमें यह है कि जब वो जैनब वाला केस हुआ उसके बाद ये हम लाहौर में ये इनिशिएटिव लिया उन्होंने, और डिवीजन लेवल पे इन्होंने जेंडर बेस्ड वायलेंस सेल बनाया 2018 में। ठीक है जी। अच्छा, इसका इसमें किस तरह के केसेस को आप सॉल्व करती हैं, कौन से केसेस जो हैं वो आपके सामने आते हैं? इसमें हमारे पास जो से हैं ख़वातीन के जो बच्चियाँ रेप के अटैम्प्ट के, ये हम केस जो से इसमें डील करते हैं। अच्छा, रेप और अटैम्प्ट टू रेप के अलावा भी कोई केस जेंडर सेल्स में कोई किया जाता है कि नहीं, या सिर्फ स्पेसिफिक रेप के केसेस आते हैं? नहीं, जस्ट इसी के लिए रेप केस, क्योंकि इसका मकसद ही बेसिकली
इनिशियली तो अभी रेप केस ही डील कर रहे हैं। अच्छा अच्छा मैम अशा, मुझे ये बताएं कि बच्चे जब से आप इंचार्ज बनी हैं तब से आप क्या देखती हैं कि केसेस में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है, या जो हमारा मुआशरा है या ख़ास तौर पर लाहौर में जो अटैम्प्ट टू रेप है या रेप है, उनके केसेस में कमी आई है या इजाफा हुआ है? कंपैरेटिवली देखा जाए तो 2018 से लेकर अब तक इसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि इसमें एक तो लोगों में अवेयरनेस आ गई है। पहले ये था प्रॉब्लम कि लोग रिपोर्ट नहीं थे करते। अच्छा अच्छा। अब ज़रा ये है कि थोड़ा सा लोगों में एतमाद आया है पुलिस के टुवर्ड्स और वो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये वजह है। अच्छा, हम अक्सर मीडिया या सोशल मीडिया पे देखते हैं कि बच्चियों का जो रेप केस है वो सामने आता है। आप जेंडर सेल के इंचार्ज हैं, आपके पास तो सारी बात है, एप्लीकेंट खुद आते हैं, आप क्या देखती हैं कि किस उम्र की बच्चियों का ज़्यादा रेप होता है? 5 साल की, 10 साल की, 15 साल तक या 18, किस एज ग्रुप का रेप केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं? अच्छा, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये स्पेसिफिक ये माइनर है तो इसके साथ ज़्यादा आ रहा है या ये कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, हर तरह के हैं इसमें, हर तरह की एज ग्रुप आता है, हर तरह का एज ग्रुप है कि एक 55 साल की भी औरत हमारे पास, वो भी हमने केस डील किया, और एक माइनर जो सी 4 से 5 साल की बच्ची है उसका भी केस देखने को मिला। अच्छा ईशा, क्या देखती हो कि हमारे मौसम में, क्योंकि आपके पास तो FIR आती है, आप पूरी केस देखती हैं जहाँ से स्टार्ट हुआ, पूरी इन्वेस्टिगेट करती हैं, बेसिक रीजंस क्या हैं लोगों में, ये क्यों रेप इतना बढ़ गया है, ये कि क्या हमारा मेंटल जो है वो, मतलब हम मेंटली तौर पर रिडार हो गए या क्या हुआ क्या है? अच्छा, मैं समझती हूँ कि ये एक दो रीज़न है जो बेसिक है। एक तो हमें सबसे पहले कवानीन सख्त लाने की ज़रूरत है। अच्छा, के लोगों में एक वो जो इस तरह की करते हैं बच्चों के साथ या जो भी एज ग्रुप है, तो उनमें खौफ नहीं है। अच्छा, तो एक तो कानून सख्त हो, इन्हें सख्त से सख्त सजा हो, ठीक है। दूसरा, हम हमारा जो सा सोशल मीडिया है, ये दूसरा छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी एक्सेस है और वो हर चीज़ देख सकते हैं, ये भी थोड़ा सा है कि हमारा मतलब चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, खासतौर पे कि वो आगे उनके हाथ में मोबाइल है तो वो उस मोबाइल पर क्या देख रहे हैं। तो मुझे बताइएगा कि सज़ा क्या है, अटेम्प्ट टू रेप की क्या सज़ा है और जिसने रेप कर लिया है उसकी क्या सज़ा है? अच्छा, जो रेप किया उसकी कम अज़ कम जो सी सज़ा है मौत है या 25 साल कैद, और जो अटेम्प्ट है उसकी एटलीस्ट 10 साल, 10 साल भी ज़्यादा हो सकती है। हाँ जी, तो आपको क्या लगता है कि जो लड़कियां खुद के लिए ट्रैवल कर रही हैं या खुद के लिए कहीं आ जा रही हैं किसी भी मजबूरी के सिलसिले में, वो अपने आप को सेफ फील करती हैं या नहीं फील करती? अब या अगर मैं ये सोचूं कि अगर आपकी कोई बेटी है या आपकी बहन है तो आप अकेले, वो अकेली आ जा सकती है कहीं पर, इतनी सेफ है वो? अब ये मतलब कि ये सिनेरियो मुख्तलिफ हो सकते हैं इसमें, लेकिन मैं भी काफ़ी टाइम होता है अगर रात के वक्त कोई इंसिडेंट होता है खुद ट्रैवल करना पड़ता है, तो ये हमें घर से बच्चों को कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, हमारी बेटियों को जब वो इतनी कॉन्फिडेंट होंगी तो उन्हें कोई, मैं नहीं समझती कि रात और दिन का हमें डर होना चाहिए। अच्छा, हरासमेंट की बात करते हैं कि हरासमेंट जो है ज़ीरो टॉलरेंस है पंजाब पुलिस में हरासमेंट पे, तो हरासमेंट को किस तरह कंट्रोल किया जाए, किस तरह कम किया जाए, और किस तरह जो है वो अगर किसी के जो सेक्सुअल हरासमेंट का कोई शिकार है औरत, वो किस तरह पुलिस में आके अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है? बड़ा सिंपल है, उसमें जस्ट आपने एक एप्लीकेशन देनी है, और अब जब से ये खास तौर पे ये सेल बना है जी, तो ये तो बड़ा इजी हो गया है। अच्छा, एक एप्लीकेंट है जिसको भी कोई हरासमेंट का है या कोई रेप का इशू है या और भी इस तरह के इश्यूज हैं, तो वो एक एप्लीकेशन जस्ट दे और हमारी जो लाहौर पुलिस है फौरी एक्शन लेते हैं। अच्छा ईशा, एप्लीकेशन किसे देनी पड़ती है? जेंडर क्राइम सेल का कोई अलग से थाना है? नहीं, या नहीं, क्या इसमें वही रूटीन है जैसे बाकी जो से क्राइम डील होता है, आपने जो सा आपका मुतलका जो सा है थाना उसमें आपने जाना है, उसमें एप्लीकेशन देनी है। अच्छा, और फिर वो आगे पुलिस आपको पूरा सपोर्ट करेगी। जी, हमारे साथ सब इंस्पेक्टर सोनिया मौजूद हैं और ये उनसे जानते हैं कि जो जेंडर सेल का इनकाद है और उसके बाद जो है पंजाब पुलिस में ख़ासतौर पे औरतों की जो कंप्लेन है या वो जो औरतें कंप्लेन लेके आती हैं उसमें किस हद तक तब्दीली है। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। वालेकुम अस्सलाम। सोनिया, मुझे बताइएगा कि पुलिस पर भर्ती होने से ख़वातीन की क्या किस हद तक तब्दीली आई है, एप्लीकेंट्स जो आते हैं? आप इसमें ये अंदाज़ा लगा लें कि हमारी भर्ती से लोगों में बहुत एतमाद आया। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुए हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आया कि फीमेल्स मौजूद हैं, हम इजीली उनसे बात कर सकते हैं, हम इजीली उनसे अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं, हम इजीली बता सकते हैं हमें क्या इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, हम उनसे जब मसाइल पूछते हैं तो ऑब्वियसली हम उनका सोल्यूशन भी निकालते हैं। ठीक है, जेंडर सेल जो है हमारा बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट जा रहा है जो पुलिस की कारकर्दगी को बहुत बेहतर बना रहा है।
बच्चियों की तलीम तरबियत के साथ साथ उनमें इतना कॉन्फिडेंस पैदा करें कि ज़िंदगी के हर मुश्किल का सामना वो अकेली कर सकें। इसके साथ ही साथ मुझे इजाज़त दीजिए, सेफ़ रहें, सेफ सिटी के साथ, अल्लाह हाफिज़।